डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। ओके गाइस, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। तो हमें प्राइस ऑफ एयर कूलर निकालना है बिफोर वैट वॉज एडेड, ठीक है। सो वैट कितना लगा है उसके ऊपर? 10%। और उसको उसने कितने का परचेज किया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3300। और हमें क्या निकालना है? बिफोर वैट, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस। तो हम उसका प्राइस ले लेते हैं, बिफोर वैट ले लेंगे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो वैट लगाने से पहले सपोज उसका प्राइस एक्स था, सो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस 10/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3300। अब ये इक्वेशन ऐसी इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे एक्स तो हमारा प्राइस था उसका, वैट हमने उसके ऊपर लगाया। अब हमने वैट लगाया तो बेसिकली जिस चीज के ऊपर हमने लगाया उसकी कॉस्ट बढ़ गई होगी, तो इसलिए वो ऐड हुआ। और ऐड करने के बाद उसने कितने का परचेज किया? 3300 का। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 11x/10 इज इक्वल टू 3300। सो यहाँ से एक्स आ जाएगा 3300 इंटू 10/11, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3000। सो यहां से हमारे पास आ गया प्राइस बिफोर वैट आ गया रुपीज 3000, मतलब वैट लगने से पहले वो 3000 रुपीज का था, उसके ऊपर 10% वैट लगा तो वो 3300 का हो गया। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।